अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे SPSS के बारे में। SPSS में डेटा किस तरह इनपुट करते हैं और डेटा को एनालाइज किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हमने SPSS में डेटा इनपुट करने के लिए एक्सेल की फाइल पे डेटा क्रिएट करना होता है। SPSS में दो ऑप्शंस होते हैं डेटा इनपुट करने के। एक तो उसको खुद का अपना ऑप्शन होता है जहाँ पर वो इंसर्ट में जाके और हम डेटा जाके इंपोर्ट करते हैं, हम जो एक्सेल फाइल में या कहीं से भी जहाँ पर भी डेटा पड़ा हो। दूसरा ये होता है कि वो हमें ऑप्शन दे रहा होता है कि हम डेटा को पेस्ट कर लें। लेकिन डेटा को पेस्ट करने से पहले सब हम क्या करते हैं, हम डेटा की कोडिंग करते हैं। जैसे कि ये आपके सामने क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, इसमें तीन चार सेक्शन हैं। एक है सेक्शन डेमोग्राफिक का, फिर दूसरा है बिग डेटा एनालिटिक्स का, फिर जो है सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन का। ये मुख्तलिफ किस्म के इसमें सेक्शन हैं, डिफरेंट सेक्शन हैं जो कि डिफरेंट क्वेश्चन को कैरी आउट कर रहे हैं। उनमें डिफरेंट क्वेश्चन थे, जेंडर एज है, क्वालिफिकेशन है, और उसके बाद सेक्शन भी है बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में हमारे पास क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि डेटा हमारे पास क्रिएट हो गया या डेटा हमारे पास पड़ा हुआ होगा, क्वेश्चन वन का, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन फोर, ये हमारे पास डेटा आ गया। और उसके बाद डेटा क्रिएट भी हो गया और हमें पता भी चल गया कि भाई डेटा कितने लोगों का है। जैसे कि इसमें 60 लोगों का है, 62 से लेकर अगर हम 3 तक काउंट करते हैं तो उसमें 60 आ रहे हैं। तो हमारे पास ये डेटा आ गया। हम सिंपली क्या कर रहे होते हैं, डेटा को ये हम पुराना डेटा डिलीट कर रहे हैं और जो है यहाँ पर हम नया डेटा डालेंगे। SPSS के फाइल में दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है डेटा व्यू, दूसरा होता है वेरिएबल व्यू। तो डेटा व्यू से पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल व्यू में जाते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम देते हैं, जैसे कि Q1, Q2, Q3। अब नाम लिखने के लिए हर रो में वेरिएबल की यूनिक आइडेंटिटी होती है। जैसे कि Q1 है, अब Q1 को मैं दोबारा अगर लिखूँगा तो वो मुझे लिखने नहीं देगा। ऐसे ही अगर मैं इसमें कुछ इलीगल करेक्टर्स होते हैं, अगर वो इंसर्ट करूँगा, जैसे कि स्पेस मैंने लिख लिया, तो वो अलाउड नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह की बारीक बारीक चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे होते हैं हम लोग। उन चीज़ को ओवरकम करने के लिए इस ट्यूटोरियल को आप ज़रूर सुनें। उसके बाद होती है नंबर्स। हमारा जो डेटा का टाइप है वो नंबर्स में है, कोमा में है, डॉट में है, और डेट में है, डॉलर में है, कौन सी चीज़ में। तो नॉर्मली जो हम डेटा ले रहे होते हैं वो नंबर्स में होते हैं और न्यूमेरिक होती है। उसके बाद डेटा की विड्थ है कि डेटा में जो नंबर है वो उसकी उसमें डिजिट्स कितनी होगी। यानी एक फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा टेंस में, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, मिलियंस में, ट्रिलियंस में, बिलियंस में, कितने में, तो हम वो उसको अपनी रेंज देंगे कि भाई हमारा जो डेटा है 8 में कर लो, 2 में कर लो, 3 में कर लो, जितना भी हो रहा है। सर्वे में नॉर्मली डेटा कम हो रहा था, लेकिन जो क्वांटिटेटिव स्टडीज होती है उनमें डेटा ज़्यादा हो रहा होता है। तो हम सिंपली यहाँ पे जो है ना ऊपर नीचे कर रहे होते हैं। उसके बाद डेसिमल से, डेसिमल भी हमें 0 पॉइंट के बाद कितने हमने नंबर्स रखने, ये हमारे ऊपर है कि हम 3 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, 50 रख रहे हैं, 55 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, कितने रख रहे हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस। ठीक है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन लिस्ट कभी कभार जो है हमें खुद क्रिएट करनी पड़ती है, तो उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, इस ये पूरी लिस्ट ऑलरेडी बनी बनी हुई है जिसके बेसिस पर पूरा डेटा क्रिएट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे अब पूरी लिस्ट को, इन अ सेंस कि ये रो में है तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसपोज का हम ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में हम आए, फिर जो है आई भी हमें नहीं चाहिए फ़िलहाल के तौर पर, डीवी भी नहीं चाहिए, तो हमने क्या कर लिया, इनको दोनों को डिलीट कर लिया और ये जो नीचे वाले क्वेश्चन है उनको ऊपर कर लिया और ये सीरियस सीक्वेंस डेवलप कर लिया। हमने क्या किया, इसके ऊपर ही कंट्रोल भी कर लिया। ठीक है, उसके बाद आई वी जो है हमारा, जैसे कि ये डीवी है उसको, और आईवी है, आईवी का हमने रो क्रिएट कर लिया, ये हमारे पास आईवी बिग डेटा का रो आ गया, ये बिग डेटा एनालिटिक्स आ गया। उसके बाद हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसमें आपका डीवी है जो कि आपके सामने आ रहा है,
और उसको जो है हमने यहाँ पर लिख लिया सप्लाई चेन। इनका फिर जो है ना पूरा वेरिएबल दे दिया और इनकी शनाख्त दे दी, ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने तो इंसर्ट करने हैं, ये आगे जाके अब जब आप एनालाइज कर रहे होंगे तब आपको काम में आएगी कि भाई कौन सा वेरिएबल कहाँ पर आए और उसकी शनाख्त की आसानी हो जाएगी आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, ये हमारे पास लिस्ट क्रिएट होगी। अब हमें देखना है कि भाई क्वेश्चन वन में कौन सा है। अब क्वेश्चन वन में देखने के लिए आइदर हम सर्वे एक्सेल शीट पे जाएं, तो एक्सेल शीट पे कोई उसकी डिटेल नहीं है कि भाई क्वेश्चन वन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन वन को हम जाके देखेंगे हम अपने क्वेश्चनर के, तो ये आपका क्वेश्चन वन है। इसको हमने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन और एरो लेफ्ट को हमने क्लिक किया तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया। या कंट्रोल क्लिक करेंगे तो ये पूरा सिलेक्शन सिलेक्ट हो जाएगा पूरे का पूरा रो। और हम यहाँ आए और इसमें F2 दबाया, यानी F2 दबा के हमने कंट्रोल वी कर लिया, ये हमारे पास कंट्रोल कॉपी हो गया। ऐसे ही अल्टर टैब कर लिया, फिर जो है हम दोबारा क्वेश्चनर पे आए, फिर यूअर जेंडर को कंट्रोल क्लिक किया, फिर हम जो है ना कंट्रोल वी किया, उसके बाद जो है हम दूसरे क्वेश्चन तक आए, फिर हम यहाँ आए, फिर हमने क्या किया F2 दबा कर इसको कंट्रोल किया। रिमेंबर F2 जो है वो हमें ऑप्शन देता है एडिट करने का, इस केसेस में एडिटिंग यानी एडिटिंग या पेस्टिंग करनी होती है, जो भी करना होता है वो हमें इट इज़ अलोइंग अस टू एडिट द थिंग्स। ठीक है, फिर हम आए इस पे जो है इसको कर लिया, फिर जो है हमने क्या कर लिया इसी को पेस्ट कर लिया। ठीक है, कंट्रोल ही कर लिया। ठीक है, ऐसे ही ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिखाने के लिए कि किस तरह पेस्टिंग करते हैं, ये उससे पहले मैंने ऑलरेडी की हुई थी तो इसको एज इट इज रहने दें। अब हम आते हैं इनकी स्केलिंग पे। स्केलिंग में ये होता है कि भाई इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ये जो है जस्ट लाइक एक ब्लैंक होता है, ये मैंने एक रो क्रिएट कर ली जस्ट आपको शो करने के लिए कि ये ब्लैंक होता है। और यहाँ पर वैल्यू में हम ऑप्शन नंबर देते हैं, ऑप्शन वन नंबर और ऑप्शन टू में भाई स्ट्रांगली एग्री है। ठीक है, फिर हमने ऐड कर लिया, फिर ऑप्शन टू वैल्यू में जो है ना ऑप्शन टू होगा, फिर लेबल में एग्री होगा फॉर एग्जांपल। इस तरह हम इनकी कोडिंग कर रहे होते हैं ऑप्शंस की, यानी अब जो SPSS में जो डेटा होगा वो न्यूमेरिक में शो होगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर इस तरह इंसर्ट कर रहे हैं कि वो चीज़ें यहाँ शो हो रही हैं। खैर, डेमोग्राफिक में अगर हम जाते हैं तो जेंडर की जो है अपनी है, मेल और फीमेल ऑलरेडी डन है। उसके बाद जो है आपके पास ये है, इसकी ये एज के हवाले थे। इसमें अगर आप एडिटिंग करना चाहें तो इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको एडिटिंग का ऑप्शन देगा, यहाँ एडिट करके सेव करेंगे, ओके करेंगे तो एडिट हो जाएगा। ऐसे ही इसको अगर आप चेंज करना चाहते, लेट से आप 46 ईयर्स लिखना चाहते तो आपने ओके दबा दिया और ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन के रिलेटेड बाकी एक चीज़ ये है कि ये जो स्ट्रांगली एग्री वाला ऑप्शन है वो सेम है सबके लिए, तो हम क्या करेंगे ये रिमेंबर ये ऑलरेडी किया हुआ है तो इसको हम इसकी वजह से शायद आप कंफ्यूज हों। अगर नहीं भी किया हुआ होता तो आपने क्या करना होता, इन सबको जो है सेलेक्ट करके कंट्रोल वी करके, जैसे कि ठीक है मैंने इसमें कर लिया नन वाला, अब यहाँ ही कंट्रोल वी जाके करके और सेलेक्ट करके और कंट्रोल वी कर लेता, क्योंकि सेम ऑप्शन है तो दोबारा इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया डेटा इनपुट हम किस तरह करते हैं। फिर हम आते हैं यहाँ पर जहाँ पर हम डेटा को इनपुट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन 3 से लेकर 8 तक जो है हमारे सेम ही डेटा होगा, सेम ही पैटर्न होगा, उसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन 9 जब आ रहा है तो उनके बीच में ये आ रहा है मीन वैल्यूज़ आ रहे हैं जिनको हम नहीं उठा रहे फ़िलहाल के तौर पर, हम उनको बाद में उठाएंगे। अभी हम क्वेश्चंस की जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन की वैल्यूज़ उठा रहे हैं, तो हमने क्या कर लिया कि यहाँ पर उठा लिया। कभी कभार इशू आ रहा होता है मिसिंग डेटा का, मिसिंग डेटा का इशू तब आ रहा था जब हमारे वेरिएबल में ये जो है ना ये खाली हो, यहाँ पर कोई डेटा नहीं हो या यहाँ पर जीरो गिवन हो, जिसकी वजह से मिसिंग डेटा मिसिंग टेबल्स आती है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी टेबल्स आ रही होती है, जिसकी वजह से आपका ट्यूटर आपको कह रहा होता है कि भाई नहीं आपने आपका डेटा ख़राब है। ठीक है, फिर हम आते हैं, ये हमने जो वेरिएबल सेट किया था आई वी बिग डेटा, इसको हमने सेलेक्ट किया, उसको हम SPSS की टेबल में लेके गए, इसके नीचे हमने जाके इसको पेस्ट किया, उसके बाद सप्लाई चेन वाला जो वेरिएबल था
उसको हमने सिलेक्ट किया और इसी को जाके हमने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। और रिमेंबर ये जो है, ये जो रो थी वो एक्स्ट्रा थी, फजूल में क्रिएट की थी जस्ट समझाने के लिए, उसको हमने क्लियर कर रहे हैं। अगर यहाँ से आप किस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं रिमूव करते हैं तो राइट क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन आ जाएंगे, उनको आपने फॉलो करना है सिंपली। तो ये